कहानी की शुरुआत होती है बॉस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां क्ले नाम का एक कार्टूनिस्ट अपने परिवार वालों को फोन करने की कोशिश कर रहा था। खैर उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई, इसीलिए उसने लैंडलाइन से अपनी पत्नी को फोन किया। तभी अचानक एयरपोर्ट पर कई लोग दर्द में भयानक तरीके से चिल्लाने लगे और उनके फोन अब भी उनके कानों पर थे। एक भयंकर आवाज उनके कानों को चीर रही थी और कुछ ही पलों में उनके मुंह से झाग निकलने लगे और वो सभी अचानक से ज़ॉम्बीज में बदल गए। फिर उन्होंने बचे हुए लोगों पर हमला बोल दिया और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। ट्रेन से दो आदमी निकले और क्ले को बचाकर ट्रेन में ले आए। तब क्ले ने बचे हुए लोगों को फोन से सावधान किया। फिर ट्रेन ड्राइवर टॉम ने कहा कि सभी ट्रेन बंद हो गई हैं, इसीलिए उन्हें चलकर सुरंगें पार करनी होंगी। पर सभी लोग बेहद डरे हुए थे, इसीलिए टॉम, क्ले और माइक बचे हुए लोग क्ले के घर पहुंचे। अंदर कोई नहीं था, पर फ्रिज पर उसके बेटे ने लिखा था कि उसकी माँ ज़ॉम्बी बन गई है, इसीलिए वो काशवाक जा रहा है। क्ले बेटे की आवाज़ सुनाई दी तो वो पागलों की तरह ज़ॉम्बीज के झुंड में घुस गया, पर इतनी लाशों में अपने बेटे को ढूंढना उसके लिए नामुमकिन था।